हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आप लोग एसटीटी जीके का पोर्शन चला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसका पार्ट फोर है। यहाँ बाय मिस्टेक थ्री लिखा है, आप लोग का पार्ट फोर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग पार्ट वन से पार्ट थ्री तक नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोग के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह वीडियो की सीरीज चल रही है, ठीक है। जितने लोग भी नहीं देखे आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहले ही अपडेट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग से कौन कौन से क्वेश्चन पहले से आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आप लोगों को इनको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा कहाँ पर स्थित है। नासा कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, पौधे के कौन से अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महात्मा गांधी का साहित्यकार नहीं है? युगांतर जो है साहित्यकार नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की थी? किसी अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, किसी अनुच्छेद 338, आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर शब्द से संबंधित करते हैं, नहीं किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काली मिट्टी को, किस मिट्टी को? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? आई होप सभी लोगों को पता होगा, एक क्वेश्चन पता नहीं होगा, आप लोग समझ लीजिए बिल्कुल स्टैटिक जीके आप लोग नहीं पढ़े हैं। भारत के ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन जाना जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को भारत के ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? ये बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोग्राफ। क्या है? हाइग्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसू यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक घुला रहता है। कौन सा? सामान्य नमक घुला रहता है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बेंटिंक के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? स्टील जो है एक मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा स्टील वाला, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से जो है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? चांदी जो है उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले होगा कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, आप लोग याद रखना है चांदी है, ठीक है। अगला सवाल है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्यों? उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए सफ़ेद रंग का जो है घर पुतवाना पसंद करते हैं गर्मियों में। अगला सवाल है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात ओरिनोको, कौन सा? ओरिनोको नदी पर स्थित है, आप लोग को ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? यह है स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहाँ देखा गया वह कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगे को सुनामी कहते हैं? जापान में। कहाँ कहते हैं? जापान में कहते हैं, आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ये थे बहरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ये थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। आप लोग को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप लोगों का था, यानी स्ट्रेटेजी के का पार्ट 4 था। यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी उसमें एड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।